उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे दे। शूटर अरमान के घर की होगी कुर्की, और जिस तरीके की पहले ही आशंका जाहिर की जा रही थी, घर की कुर्की हुई है। अरमान पर 5 लाख का इनाम है घोषित। हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है अरमान। सिविल लाइन्स इलाके में है अरमान का घर। तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, उमेश हत्याकांड से जुड़ी हुई, शूटर अरमान के घर की कुर्की हुई है। अरमान पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। हत्याकांड के बाद से ही लगातार वो फरार चल रहा है। सिविल लाइन्स इलाके में अरमान का घर मौजूद है, जहां कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और बाकायदा इसको लेकर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। तो उमेश हत्याकांड का आरोपी है अरमान, जो कि लंबे वक्त से फरार चल रहा है। जगह जगह टीमें दबिश दे रही हैं उसको ढूंढने के लिए। ऐसे में सिविल लाइन्स इलाके में अरमान के घर पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इससे पहले अति की बहन का घर भी कुर्क हो चुका है। अति की बहन नूरी भी आरोपी है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुफरान, कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, हम चाहेंगे कि तस्वीरें वहां से आप दिखाइए। बिल्कुल, देखिए उमेश पाल हत्याकांड में अरमान जो है वो फरार चल रहा है। 5 लाख रुपए का इनाम है। आज उसके घर की जो कुर्की की कार्रवाई है वो की गई है। सिविल लाइन्स इलाके में ये घर है। यहाँ पर धूमनगंज पुलिस ने कुर्की की पूरी जो कार्रवाई होती है उसको अंजाम दिया है, और एक तरीके से जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो की जा रही है। कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देने की ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अरमान का घर है। घर के भीतर जो सामान थे उसको पुलिस ने एक तरीके से जब्त किया है, और उसके बाद इस घर की कुर्की करेगी और इस घर पर यहाँ पर पुलिस का अपना ताला हो जाएगा। सीधे तौर पर उमेश पाल हत्याकांड में दिखाई दिया था सीसीटीवी फुटेज में, अरमान जब बमबाज गुड्डू मुस्लिम को बाइक से लेकर के मौके वारदात पे पहुंचा था, खुद भी बम बरसा रहा था, पिस्टल उसके हाथों में थी। तो ऐसे में 5 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम उसकी गिरफ्तारी पर घोषित किया था, और आज उसके घर की जो कुर्की की कार्रवाई है वो की गई है। इसके पहले की अगर बात करें तो बमबाज गुड्डू मुस्लिम के यहाँ कुर्की की कार्रवाई हुई, साबिर के यहाँ हुई। इसके साथ ही अतीक अहमद की जो जो बहन है आयशा नूरी, वो मेरठ में उसके घर की भी कुर्की की कार्रवाई की गई है। तो जो इस पूरे हत्याकांड में जो भी आरोपी फरार चल रहे हैं उनके घरों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। जो भी आरोपी फरार चल रहे हैं उन पर कुर्की की कार्रवाई हो रही है, बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद गुफरान हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।